सो गाइस, मैं अभी सो के उठी हूँ। तो आज हम जाएंगे मुकुट मणिपुर। तो इसकी ब्लॉग पूरी मैं आज आपको दिखाऊंगी। हम 2 दिन के ट्रिप में जा रहे हैं, 2.5 डे के ट्रिप में जा रहे हैं। तो पूरी ट्रिप आपको दिखाऊंगी और हम जाएंगे बहुत जगह जाएंगे। तो उस सब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो ओके, बाय बाय। सो अब हम जा रहे हैं, अब हम निकल चुके हैं और ये रही, हम अब हावड़ा ब्रिज पे हैं, क्रॉस कर रहे हैं हावड़ा ब्रिज। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं हमेशा सी में जाती हूँ, लेकिन आज पहली बार कुछ अलग ही ट्रिप करने वाली हूँ। तो देखते हैं ये ट्रिप कैसा रहता है। और अब हम आए हैं हमारी फर्स्ट टोल गेट में। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी परेशानी हुई थी, हमें कुछ देर तक यहाँ पे रुकनी पड़ी थी। कुछ देर तक मतलब क्या, थोड़ी सी। तो फिर रुकने के बाद भूख लग गई और फिर बहुत आके हम एक जगह पे रुके, एक रेस्टोरेंट में। और ये रही उसकी अंदर, तो ये देखिए। तो हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो मैं जल्दी जल्दी बस वीडियो बना रही थी किसी तरह। और ये रही हमारी खाना। तो हम जल्दी जल्दी खाना खा लिए और फिर हम निकल गए। और हम रास्ते में हैं और हमारी जो रास्ता थी एकदम मक्खन जैसी थी, और पापा तो एकदम जोरों जोरों से चला के ले जा रहे थे। मीन्स पूरी मक्खन थी, अजीब, मीन्स पूरी मक्खन थी। और फिर कुछ जगह ऐसी थी कि अप डाउन थी, लेकिन बाकी रास्ता पूरी अच्छी थी। और ये तो इसी विलेज की तरफ थी। और अब हम रिसॉर्ट आ चुके हैं और रिसॉर्ट बहुत ही ग्रीनरी है। रिसॉर्ट के अंदर बहुत ग्रीनरी गाइस, देखिए पूरी रिसॉर्ट गार्डन गार्डन है। मन तो एकदम गार्डन गार्डन हो गया, बहुत ग्रीनरी है रिसॉर्ट। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम यहाँ पे सिर्फ व्लॉग करेंगे, खाने की जो व्लॉग होती है वो हम नहीं करेंगे। कुछ जगह में करेंगे या फिर ये मैंडेटरी नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए कुछ जगह में खाने की व्लॉग हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, ठीक है? तो ये देखिए, अब हमें एक झूला दिख गई, तो हम जल्दी से झूला को कैप्चर करने चले गए। चलिए, तो देखिए ये बहुत ही ग्रीनरी भरी हुई है। और यहाँ पे क्या है ना, हमें 4 झूला थी, तो फिर थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद हम चले आए खाना खाने। और ये है वो रिसॉर्ट की रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे बहुत तरह की पेंटिंग्स है, मीन्स विलेज की पेंटिंग्स है। फिर एक बच्चा मम्मी के पास है वो, फिर एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है ऐसा, फिर बहुत आर्टिस्टिक पिक्चर्स, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम खाना खाए, खाना की फ़ोटो खींचे और बहुत टेस्टी था खाना। फिर हमें एक बहुत सुंदर जीव दिखी और हमने उसकी फ़ोटो ले ली। तो गाइस, अब हम निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं डैम देखने। तो देखते हैं हमें कैसा लगता है। तो देखते रहिएगा, बाय बाय। तो हम जा रहे हैं, वहाँ पे एक टेंपल है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं और वहाँ से हम डैम चले जाएंगे। और ये हम आए हैं, ये देखिए ये लोग के हाथ से अभी से ही फोटो उठाना लग गए हैं। और यहाँ पे फोटो उठाना एकदम मना है, लेकिन ये लोग कहाँ सुनेंगे। चलो रखते हैं, मैं भी जाती हूँ फोटो लेने। बाय बाय।
तो अब हम निकले हैं डैम की तरफ। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं डैम देखने। तो यहाँ पे वो जो अंकल बोल रहे थे कि यहाँ पे हम बोट में भी चढ़ सकते हैं, तो हमने सोचा कि चलो बोट में चल लेते। गाइज, मैं तो बहुत डरी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि यही मेरी आखिरी दिन है, पर नहीं। जब मैं उठी बोट में तब मुझे बहुत अच्छी लगी गाइज। ये मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं तो डर गई थी, लेकिन जब मैं उठी तब मुझे लगा कि ये तो कोई डरने की बात ही नहीं है। बस इतनी सुंदर हवा दे रही थी, वेदर भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। सो गाइस, अब हम निकलने वाले हैं, तो वहाँ देखिए सब लोग निकल रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ी सी झूला झूल रही हूँ लास्ट टाइम के लिए। तो अब हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अरे बुनलौता, हाँ बुनलौता रिसोर्ट जाएंगे। तो आप लोग फिर बने रहिएगा, हम बुनलौता रिसोर्ट भी दिखाएंगे और वहाँ से हम मंदिर तंदिर जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, बाय बाय। सो अब हम टेंपल आ चुके हैं। तो ये है छिन्नो मस्ता टेंपल, मीन्स हिंदी में क्या बोलूँ मुझे पता नहीं। सो अब हम आए हैं मार्केटिंग करने, तो ऑफ कोर्स हमें तो मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने ली है दो घोड़े और एक मेरी दोस्त के लिए ली है छोटी सी, और बाकी दो घर सजावट के लिए। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, ये वाली कप जो कि वो क्या बोलते हैं कोकोनट से बना हुआ है ऐसा कुछ। तो मम्मी को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मम्मी ने दिला दिया। और ये देखिए मम्मी अब दौड़ कर रही है, भैया मुझे इस और में दे दीजिए। मम्मी की दौड़ की अच्छी है, भैया ने दे भी दिया। फिर हम नेक्स्ट आए टीरेकोटा टेम्पल, तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, बस मेरी हिंदी थोड़ी सी कच्ची है, आप ना कुछ माइंड मत करना। तो ये देखिए ये टीरेकोटा मंदिर, वो भैया काम कर रहे हैं, भैया कितनी अच्छी आर्टवर्क कर रहे हैं। अब हम निकल पड़े हैं नेक्स्ट रिसोर्ट की ओर, जो है बुनलौता रिसोर्ट। जैसे कि मैंने आपसे कही थी कि बुनलौता रिसोर्ट आपको दिखाएंगे, तो मैंने वो वादा रखूंगी मैं, और मैं ज़रूर बुनलौता रिसोर्ट आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम जा रहे हैं। ओह माय गॉड, बुनलौता रिसोर्ट एक्चुअली बहुत बड़ी है, तो हमें टाइम लगेगी। वो एक ऐसा जगह है कि ऐसा लग रहा है कि वो एक टूरिस्ट स्पॉट ही है, मीन्स देखने का जगह ही है। तो ये हम रिसेप्शन में हैं, रूम बुक कर रहे हैं। और ओ माय गॉड, दादागिरी और डीडी नंबर वन, दो बड़े बड़े शो यहाँ पे हैं लिटरली। सो गाइस, अब हम रूम में आ चुके हैं और हम जा। सो गाइस, ये देखिए अब हम जा रहे हैं बुनलौता रिसोर्ट घुमाने आपको। तो गाइस लिटरली ये बहुत बड़ी रिसोर्ट है और इसे घुमाने में तो हमें बहुत टाइम लग जाएगी। मैंने आपको कहा था ना कि ये एक टूरिस्ट पॉइंट जैसा है, तो ये पूरी बहुत बड़ी रिसोर्ट है, इसलिए इसे घुमाने में हमें बहुत टाइम लग जाएगी गाइस। तो ये वहाँ पे रेस्टोरेंट थी और यहाँ पे है एक होटल टाइप का कुछ। और वैसे हमको जो मिली है वो एक कॉटेज टाइप की है,
तो वो कॉटेज हमारी पर्सनल है हाँ, और उसके साथ एक झूला भी है पर्सनल टाइप का। तो अब हम आए हैं यहाँ पे क्यूट क्यूट रैबिट्स देखने के लिए। ये लोग खाना खा रहे, बहुत क्यूट लग रहे वाइट रैबिट्स। मुझे तो रैबिट बहुत पसंद है। और ये देखिए हमने कुछ फ़ोटो भी खींची। और फिर देखिए एक बहुत मज़ेदार चीज़ हुई कि बहन इन लोग इसे देख के वो डर रही है, इसे देख के हाथी समझ रही है। गाइस कहाँ हाथी और कहाँ रैबिट, ये रैबिट को देख के डर रही है। देखो देखो कितना भाग रही है। ये देखो ऐसा मौका साधारण सी पाते हुए हमने इसकी थोड़ी सी समझ रही है, वो फोटो भी खींच ली गाइस। मींस पढ़ाई नहीं जानती है, मींस वो डर रही है इसकी फोटो देखो। फोटो भी खींच ली इस मौका पाते ही, ऐसा कहते हैं ना मौका पाते ही चका मारना ऐसा कुछ। फिर उसे झूला दिखा जो कि एकदम उसके ही साइज की थी, तो वो बैठ गई उसमें। और क्या ये एग्जैक्ट उसकी साइज की ही है, मींस झूला एग्जैक्ट उसकी साइज की है। फिर से थोड़ी सी रेस्ट लेने के बाद हम निकल गए और यहाँ पे हम जा रहे हैं। और ये देखिए गार्डन्स है। यहाँ पे गाइस बहुत टाइप की फ्लावर्स है। और ये देखिए ये जो पंछी है ये मींस क्या ही कहे, इस पंछी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा फूल है, हिबिस्कस है। देखिए मैं और फिर हम आ चुके हैं पार्क में। और पार्क में वो जगह में मुझे जाने के परमिशन नहीं मिली, वो जो उछलने की जो जगह है वहाँ पे मुझे जाने नहीं दिया क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे जाने नहीं दिया गाइस। तो अब मैं थोड़ी सी पैर की फोटो खींच रही हूँ और आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। और मैं चल रही हूँ मैं तो चल रही हूँ। चलते हैं, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पड़ेगी, तो प्लीज एंजॉय विद मी चैनल को सब्सक्राइब। ये देखिए हम अब आए हैं चाय पीने, तो हम तो चाय पियेंगे चलिए तो चाय पीने हम आए हैं। लेने के बाद हम जाएंगे चाय पीने, चलो जाते हैं चाय पीने। ये रहे चाय, बहुत अच्छी थी एकदम मलाई मार के, तो हमने एक रील भी बना ली फटाफट से। चाय पियेंगे और फिर हमें दिखा इतनी बड़ी रसगुल्ले, तो और क्या खा ली हमने इतनी बड़ी बड़ी रसगुल्ले। भैया को कहा कि थोड़ी सी दिखाओ भैया उठा के, तो हमने देख ली और फिर खा भी ली। फिर से होटल में आके हमने यहाँ पे फ्रेंच फ्राई और ये शायद फिश 65 ऐसा कुछ होगी, तो ये दोनों ही बहुत अच्छी थी और हमें भिखारियों के तरह दी थी। कुछ भी नहीं है, सिंपली सिर्फ चार पीस दिए गाइस, चार पीस पे पेट भरता है या तो मन भरता है। फिर हमने थोड़ी सी रील बनाई, प्यासी प्यासी मर जाऊंगी ये वाली रील बनाई। तो ये देखिए हमें ये रील बनाते हुए बहुत मजा आई। हमारी कैमरा मैन थी मेरी पापा, तो ये मेरी इंस्टाग्राम में है, तो जल्दी से जाके मेरी इंस्टाग्राम को चेक कीजिए और ये वाली वीडियो देखिए और फॉलो भी कर देना। तो फिर दूसरे दिन हम उठ के ये देखिए हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हमने ली थी डोसा मसाला डोसा, तो अब ये टूटी कौड़ी वाली गाड़ी हमें दिख गई। तो और क्या आंटी से परमिशन ली और गाड़ी में उतर गई, चली गाड़ी में बैठने। फिर देखिए ये ड्राइवर सीट पे बैठ के खुद को ड्राइवर समझने लगी मैं, जो भी है। तो ये देखिए ये ड्राइवर सीट। और गाइस बताइए गाड़ी चलनी भी लगी थी, मैं जस्ट इसकी चाबी थी जो थी उसे बस घुमाई चलनी लगी।
सो गाइस हमारा मुकुट मणिपुर की ब्लॉग यहाँ पे खत्म होती है। और सो गाइस ये हमारे ब्लॉग की एंडिंग है, तो फिर मिलेंगे कुछ मजेदार ब्लॉग के साथ। तो फिर ब्लॉग आएगी मोंदर मुनि की, तो वो ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।